says in John 14:19, because I live, my children, you will also live. इस दुनिया में हर एक को सच्चे प्रेम की तलाश है Nobody to love. और परमेश्वर ही हमारी इस चाहत को पूरा कर सकते हैं. That day when he gave his life on the cross, he purchased the entire humanity for himself. क्योंकि परमेश्वर ही प्रेम है. He says, "Everyone is my beloved child." इस बात की गहराई को जानने के लिए सुने एक सामर्थ्यशाली संदेश को. Every one of you must prosper. That is God's will. जिसे स्वर्गीय भाई डॉक्टर डीजीएस दिनाकरन ने अपने जीवन काल में दिया था. This night also we shall meditate upon one of the promises of God. और आज शाम के समय में भी यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन में से प्रतिज्ञा को देखेंगे. He says in 3 John 2. वो तीसरा यूहन्ना 2 वचन में ये कहता है. Beloved, मेरे प्रियो, I wish above all things that you may prosper and be in health as your soul prospers. मेरी ये प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे. I'm telling you a true story now. मैं भी आपको एक सच्ची कहानी बता रहा हूँ. There is a couple living in Singapore. सिंगापुर में एक दंपत्ति है. Mr. and Mrs. Sattar. मिस्टर और मिसेस सत्तार उनका नाम है. They do not know anything about Jesus. वो यीशु के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. But they were having lot of debts. लेकिन उन पर बहुत से कर्जे थे. Lot of financial problems. बहुत सी आर्थिक परेशानियां थी. They didn't know what to do. उन्हें पता नहीं कि क्या करें. One day, एक दिन, a friend of Mrs. Sattar told her. मिसेस सतार की एक सहेली ने बताया. There is one brother Dinakaran. एक भाई है दिनकरन भाई. He has produced some song albums. With some speeches and prayers. उन्होंने एक गीतों का एल्बम बनाया जिसमें थोड़ा सा संदेश और प्रार्थना है. If you can buy one of them, अगर उनमें से एक आप खरीद लें, listen to that, और उन्हें सुनते रहें, oh, you'll find great comfort and consolation. आप बहुत बड़ी सांत्वना पाएंगे. So this woman went to the shop. तो इस बहन ने दुकान में जाकर inquired about the albums prepared by me. मेरे उस एल्बम के बारे में उनसे पूछा. He had one album. और एक कॉपी खरीदी. The title of this album is The Lord in Your Home. और इस एल्बम का शीर्षक है प्रभु आपके घर में. The Lord in Your Home. प्रभु आपके घर में. In that I spoken if God comes to your home. मैंने कहा कि अगर प्रभु आपके घर में आएगा. What blessings would follow? तो कौन सी आशीषें आएगी? She took it home. वो अपने साथ घर ले गई. Started playing it. और उसे बजाने लगी. It is in Tamil language. वो तमिल भाषा में है. She was very much touched by the message and the song. संदेश और गीतों से वो बहुत स्पर्श कर ली गई. And she said. और उन्होंने कहा. How nice it would be if Jesus can come to my house. और उन्होंने कहा कि कितना अच्छा होगा कि यीशु मेरे घर में आए. Suddenly there was a tap on the door. अचानक वहाँ पर दरवाजे पर किसी ने खटखटाया. She went and opened the door. उसने जाकर दरवाजा खोला. Oh, there was nobody. और वहाँ पर कोई भी नहीं था. Then she closed the door. फिर उसने दरवाजा बंद किया. And she was listening to the album. और फिर से इस एल्बम को सुन रही थी. Again there was a knock. फिर से दरवाजा खटखटाया गया. Went and opened it. उसने जाकर खोला. Nobody. वहाँ पर कोई नहीं था. She came back. वो वापस आई. And she was praying. और प्रार्थना करने लगी. If Christ can come to my house. मसीह मेरे घर में यदि आ जाए. How nice it would be. तो ये सच में कितना अद्भुत होगा. And suddenly. और फिर अचानक. She saw somebody entering her home. उसने देखा कि कोई उसके घर में आ रहा है. She was amazed. वो चकित हो गई. She looked into the face of this person. उसने इस व्यक्ति के चेहरे को देखा. Great love. बड़ा प्रेम उसे झलक रहा था. Great compassion. महान करुणा दिख रही थी. Radiated in that person's face. उस व्यक्ति के चेहरे पर वो सब दिख रहा था. And he said. और उसने कहा. I am Jesus. मैं यीशु हूँ. Why did you call me? तुमने मुझे क्यों बुलाया? Why did you call me? तुमने मुझे क्यों बुलाया? She didn't know what to say. उसे पता नहीं था कि क्या कहे. He fell at his feet. वो उसके चरणों पर गिर गई. Worshipped him. उसकी आराधना की. Cried and cried. रोती और रोती रही. Lord, I need your blessing. कहा प्रभु मुझे तेरी आशीष चाहिए. Please bless me. कृपया मुझे आशीष दे. And he blessed her. और उसने उसे आशीष दी. There he stood for several minutes and blessed her. कुछ मिनट तक वो खड़ा रहा उसे आशीष दी. And he disappeared.
और उसके बाद फिर वो गायब हो गया and he disappeared. और उसके बाद में वो गायब हो गया. Blessings after blessings began to flow her way. उसके मार्ग में आशीषों पर आशीषें आने लगी. Every one of her children who were away from God came back to God. हर एक संतान जो उसकी जो प्रभु से दूर थी वो प्रभु के पास आई. Her husband who is a taxi driver even today got so much of business he paid back all the debts. और उनकी पति जो कि टैक्सी ड्राइवर है आज भी उनके ऊपर का सारा कर्जा उन्होंने चुका दिया. Oh, their home is a blessed home too. उनका घर आज बहुत ही आशीषित घर है. In every way they are blessed. हर तरीके से वो आशीषित हैं. This is a true story. ये एक सच्ची कहानी है. They live in Singapore even today. वो आज भी सिंगापुर में रहते हैं. My dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों. Jesus Christ says. यीशु मसीह कहता है. I want you to prosper. वो चाहता है कि आप संपन्न हो जाएं। I want you to prosper. मैं चाहता हूं कि तुम संपन्न हो जाओ। I do not want you to go down in life. मैं नहीं चाहता जीवन में तुम नीचे जाते रहो। I want you to prosper. मैं चाहता हूं तुम संपन्न हो जाओ। Cheer up tonight. धाड़स बांधे मेरे भाइयों और बहनों। Every one of you is a blessed person tonight. आज आप में से हर एक व्यक्ति आशीषित व्यक्ति है। God is calling you my beloved. परमेश्वर आपको मेरे प्रिय कहता है। My beloved son. मेरे प्रिय बेटे. My beloved daughter. मेरी प्रिय बेटी. And you are going to ask him. और आप उससे मांगेंगे. My father. मेरे पिता. Come home. मेरे घर आ. My father. मेरे पिता. Come home. मेरे घर में आ जा. I want you to live in my home. मैं चाहता हूँ तुम मेरे घर में रहें. I want you to bless my home. मैं चाहता हूँ मेरे घर को आशीष दे. All that you need is God in your home. आपके घर में बस आपको परमेश्वर की जरूरत है. God says, I am here to bless you. प्रभु कहता मैं यहाँ पर तुम्हें आशीष दूंगा. Proverbs chapter 10 and verse 22 says. नीति वचन 10:22 कहता है. Blessing of the Lord shall make any man rich. परमेश्वर की आशीष ही किसी भी मनुष्य को धनी बनाती है. Any man can be made rich by the blessing of God. प्रभु की आशीष से कोई भी धनी बन सकता है. We are going to ask God, come home. हम प्रभु से मांगेंगे कि वो घर में आए. The great God is going to come into your home tonight. वो महान परमेश्वर आज आपके घर में आएगा. You are going to see the prosperity that is going to come into your home. आप उस संपन्नता को देखेंगे जो आपके घर में आएगी. All your disobedient children are going to be obedient children. कैसे आज्ञा भंग करने वाले बच्चे आज्ञा मानेंगे. How God is going to bless their education. कैसे परमेश्वर उनकी पढ़ाई को आशीष देगा. How he is going to provide employment to them mysteriously. और कैसे अद्भुत रीति से उन्हें नौकरी देगा. How the peace of God is going to descend in your home. कैसे परमेश्वर की शांति आपके घर में आएगी. Oh, all these things you are going to say. ये सब कुछ आप देखेंगे. And you will remember this night. और आप इसे याद रखेंगे. You will remember this night. आप इस रात को याद रखेंगे. And the third blessing that God wants to give you is this. और तीसरी आशीष जो प्रभु देना चाहता है वो ये है. My son. मेरे बेटे. Daughter. मेरी बेटी. Want you to be in good health. मैं चाहता हूँ तुम तंदुरुस्ती में रहो. I want you to be in good health. मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तंदुरुस्ती में रहो. Many many people when they receive blessings through my prayers. जब बहुत से लोग मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा आशीष पाते रहते हैं. They come and bless me. वो आकर मुझे आशीषित करते हैं. We were in a campaign in Delhi. हम लोग दिल्ली में एक कैंपेन में थे. One woman who was sitting in a wheelchair walked out of the wheelchair after 18 years. एक बहन जो व्हीलचेयर पर 18 साल से बैठी थी वो उस पर से उठकर चलने लगी थी. Came up the platform. वो मंच पर आई. Gave a marvelous testimony. और बहुत ही अद्भुत गवाही उन्होंने बताई. Then she came straight to me. और फिर सीधा मेरे पास आई. Put both her hands upon me. और अपने दोनों हाथ मुझ पर रखे. And said, son. और उसने कहा बेटा. May God grant you long life. प्रभु तुम्हें दीर्घायु दे. May God grant you long life. प्रभु तुम्हें दीर्घायु दे. May God grant you good health. प्रभु तुम्हें अच्छी तंदुरुस्ती बख्शे. Almost every day somebody or other comes and blesses me like that. कोई न कोई हर एक दिन आकर मुझे इस तरह से आशीष देता है. It comes from their heart. ये उनके दिल से आता है. My dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों. God says tonight. प्रभु आज कहता है. My son. मेरे बेटे. My beloved son. मेरे प्यारे बेटे. My beloved daughter. मेरी प्यारी बेटी. I want you to be in good health. मैं चाहता हूँ कि तुम तंदुरुस्ती में रहो. I want you to be in good health. मैं चाहता हूँ कि तुम तंदुरुस्ती में रहो. Cheer up tonight. आज धाड़स बांधे. God wants you to be in good health. परमेश्वर चाहता है आप तंदुरुस्ती में रहें. He will give it to you. वो आपको देगा. When I was a young boy. जब मैं बहुत छोटा था.
I used to get a peculiar headache. मेरे सिर में बहुत दर्द होता था. It'll come to me suddenly. अचानक सर दर्द पड़ता था. When I am in the school. जब मैं स्कूल में रहता. When I am in the bazaar. या जब भी बाजार में रहता. When I am walking somewhere alone. या फिर अकेला कहीं चल रहा हूँ. Suddenly it'll come. अचानक सर दर्द आता. I'll hold my head. मैं अपना सिर पकड़ लेता. And cry. और रोते रहता. It's paining. दर्द हो रहा है. It's paining. भयानक दर्द हो रहा है. चीखते रहता. People who will be walking the streets will come near me. सड़क पर चलने वाले लोग मेरे पास आते. They'll hold me. और वो मुझे पकड़ते. Then what happened to you? क्या हुआ बेटा तुम्हें? My head is paining. मेरे सिर में दर्द हो रहा है. Take me to my mama. मुझे माँ के पास ले जाओ. Take me to my mama. मुझे मेरी माँ के पास ले जाओ. They'll inquire where my home is and they will carry me. वो मेरे घर के बारे में पूछते और वहाँ पहुँचाते. And then my mother would see me. और जब मेरी माँ मुझे देखती. She would immediately know that I got this headache. उसे तुरंत पता चल जाता कि मुझे सिर दर्द हो रहा है. She would take me into her hands. वो मुझे अपने बाहों में पकड़ लेती थी. Sit down. बैठ जाओ. She would sit down. वो बैठ जाती. And make me lie on her. अब मुझे अपनी गोदी में लिटा लेती थी. She'll put some oil or something on my head. मेरे सिर पर कुछ तेल वगैरह मलती थी. And put her gentle hand. धीरे धीरे अपने हाथों से मसाज करती. Just put her hand. बस वो अपना हाथ रखती. I'll go to sleep. और मैं वहां पर सो जाता था. I would never realize what has happened to me. मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि क्या हुआ है. When I would wake up after several hours. कुछ घंटों के बाद जब मैं जाग जाता. On the lap of my mother. मेरी माँ की गोद में. My headache would have gone. मेरा सिर दर्द चला जाता था. My dear brothers and sisters. मेरे प्यारे भाइयों और बहनों. Luke chapter 4 and verse 40 says. लूका अध्याय 4 वचन 40 कहता है. Evening after evening. शाम के बाद शाम. People would come to Jesus. लोग यीशु के पास आते थे. Bringing their sick people like. अपने बीमार लोगों को ऐसे लेकर आते. And the Bible says. और बाइबल कहती है. He would give each one a gentle touch. उनमें से हर एक को छू लेता. Everyone a gentle. हर एक को छू लेता. Everyone. हर एक को. Everyone. हर एक को. And healed them. और उन्हें चंगाई दी. We have the same God. हमारे पास वही परमेश्वर है. He is like our mother. वो हमारे माता के समान है. God is like our mother. परमेश्वर हमारी माँ के जैसे है. Genesis 17:1 says. उत्पत्ति 17:1 ये कहता है. God has a peculiar name. परमेश्वर का अद्भुत नाम है. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai means. El Shaddai का मतलब है. One side he is a mighty person. एक तरफ वो सामर्थी व्यक्ति है. Strong person. एक बलवान व्यक्ति है. Another side. और दूसरी ओर. He has the bosom of a feeding mother. वो तो सूधी लेने वाली माता के जैसे गोद में ले लेता है. Full of love. प्रेम से भरा है. When you come to him. जब आप उसके पास आते हैं. My headache is killing. कहते मेरा सिर दर्द मुझे मार रहा है. My cancer is killing. मेरा कैंसर मुझे मार रहा है. Oh, it's paining at my back. भयानक दर्द हो रहा है पीठ में. I'm not able to sleep. मैं सो नहीं पाता हूँ. A gentle hand will come and touch. वो कोमल हाथ आकर छू लेगा. Or say, my beloved. और कहेगा मेरे प्रिय. My beloved. मेरे प्रिय. I want you to be in good health. मैं चाहता हूँ तुम तंदुरुस्ती में रहो. Go to sleep. तुम सो जाओ. Go to sleep. I will watch you. तुम सो जाओ, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा. Tonight he will do the same. आज रात वो यही करेगा. We are healed not by somebody's prayers, but by the love and compassion of Jesus. हम किसी की प्रार्थना से चंगे नहीं होते, लेकिन ये तो केवल यीशु की करुणा और उसकी दया जिससे हम चंगाई पाते हैं. He's willing to do that tonight. वो आज इसे करने के लिए तैयार है. He's willing to do that tonight. आज ऐसा करने के लिए तैयार है. Expect your diseases to disappear tonight. अपेक्षा करें कि आज आपके रोग चले जाएं. Not just one or two. केवल एक या दो नहीं. Every sick person. हर एक बीमार व्यक्ति. Every sick person. हर एक बीमार व्यक्ति. Every sick person. हर एक बीमार व्यक्ति. Luke 4:40 says. लूका 4:40 कहता है. Jesus laid his hands on everyone and healed. यीशु ने हर एक पर हाथ रखे और उन्हें चंगाई दी. Every father and healed. हर एक पिता पर हाथ रखे. Every mother and healed. हर एक माता पर हाथ रखे. Every child and healed. हर एक बच्चे पर हाथ रखे चंगाई दी. You can be healed. आप चंगे हो सकते हैं. Do not lose, my brother, your heart. मेरे भाई, आप हिम्मत न हारे. Tell in your heart. अपने दिल से कहे. I am God's beloved. मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ. I am God's beloved. मैं परमेश्वर का प्रिय हूँ. My father, my mother is going to touch me today. मेरे माता, मेरे पिता आज मुझे छू लेंगे. And I will walk. और मैं चलूंगा. I will run. मैं दौड़ूंगा. I will see. मैं देखूंगा. I will hear. मैं सुनूंगा. All I could not do, I'm going to do tonight. जो मैं नहीं कर सकता था आज करूंगा. How many of you believe that? कितने लोग ये विश्वास करते हैं? Put your hand up now. अपने हाथ उठाएं. And say hallelujah. और कहे हालेलुया. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you
Jesus. धन्यवाद यीशु. I am your beloved. मैं तेरा प्रिय हूँ. I am your beloved. मैं तेरा प्रिय हूँ. I am going to be healed. मैं चंगा हो जाऊंगा. I am going to be healed. मैं चंगा हो जाऊंगा. My child is going to be healed. मेरी संतान चंगी होगी. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु. Hallelujah. Your hands down. तुम अपने हाथ नीचे रख लें. Finally. और अंत में. The Bible says. बाइबल कहती है. In Deuteronomy 23:5. व्यवस्था विवरण 23:5 में इस तरह कहती है. God turns every curse into a blessing for His beloved. परमेश्वर अपने प्रिय लोगों के लिए हर एक श्राप को बदल देता है और उन्हें वो आशीष बना लेता है. When He say, my business is cursed. जब आप कहते हैं मेरा व्यापार तो श्रापित है. My home is cursed. मेरा घर श्रापित है. My family life is cursed. मेरा पारिवारिक जीवन श्रापित है. My job is cursed. मेरी नौकरी श्रापित है. Income is cursed. मेरी कमाई श्रापित है. God says, तो प्रभु कहता है, I will change every curse into a blessing. मैं हर एक श्राप को बदलकर आशीष में बदल दूंगा. You are his beloved. आप उसके प्रिय जन हैं. How is he going to do that? Why he should do that? वो इसे कैसे करेगा और इसे वो क्यों करेगा? Galatians 3:13 says, गलातियों 3:13 कहता है, When this great God came down into this world in the form of a man called Jesus. जब ये महान परमेश्वर यीशु के रूप में संसार में आया, Cruel people crucified him. दुष्ट लोगों ने उसे क्रूस पर चढ़ाया, Mercilessly crucified him. निर्दयता से उसे क्रूस पर चढ़ाया, He was made to be hung on a tree, a cross. उसे क्रूस पर चढ़ाया गया. The Bible says, बाइबल इस तरह से कहती है, Cursed is the man who hangs on a tree. श्रापित है वो व्यक्ति जो पेड़ पर लटकाया जाता है. Jesus Christ became a curse for us. यीशु मसीह हमारे श्रापित बना. Every curse. हर एक श्राप. On the cross. क्रूस के ऊपर. Every curse was put upon him. हर एक श्राप उसके ऊपर डाल दिया गया. Every curse. हर एक श्राप. Every curse in the family. परिवार का हर एक श्राप. Every curse in the business. व्यापार का हर एक श्राप. Every curse in the spiritual life. आत्मिक क्षेत्र का हर एक श्राप. Every curse from the devil. उस शैतान की ओर से हर एक श्राप. Every curse from Satan. शैतान की ओर से हर एक श्राप. Every curse from witchcraft. जादू टोने का हर एक श्राप. Was put upon him. उस पर डाल दिया गया. Said, और वो कहता है, Let me be a curse. मैं श्राप हो जाऊं. Let me be a curse. मैं श्राप हो जाऊं. Let every curse of the whole world come upon him. पूरे संसार का श्राप मुझ पर आ जाए. Let my people be blessed. और मेरे लोग आजाद हो जाए. Let my people be blessed. और मेरे लोग आशीष पाए. Cheer up tonight. आज धाड़स बांधे. God says, परमेश्वर कहता है, My son. मेरे बेटे. Daughter. मेरी बेटी. You are my beloved. तुम मेरे प्रिय हो. Given my life for you. मैंने अपना जीवन तुम्हारे लिए दिया. I want your soul to prosper. मैं चाहता हूँ तुम्हारा प्राण आशीष पाए. I want you to prosper in the world. मैं चाहता हूँ तुम संसार में संपन्न हो. I want your body to be in good health. मैं चाहता हूँ तुम्हारा शरीर अच्छी तंदुरुस्ती में रहे. Every curse I will remove. हर एक श्राप को मैं दूर कर दूंगा. And I will come home. और मैं तुम्हारे घर में आ जाऊंगा. I will live with you. तुम्हारे साथ में रहूंगा. How many of you would like to take Jesus home tonight? कितने लोग यीशु को अपने घर में ले जाना चाहते हैं? Hallelujah. Hallelujah. You are going to be the blessed, most blessed people. आप सबसे ज्यादा आशीषित लोग होंगे. He will surely come. वो निश्चय ही आएगा. He will surely come. वो निश्चय ही आएगा. John 14:23 he says. यूहन्ना 14:23 में कहता है. Oh, I will come and live with them. मैं आकर उनके साथ में वास करूंगा. God would bless you tonight. प्रभु आज आपको आशीष देगा. God would bless your home tonight. प्रभु आपके घर को आशीष देगा. Oh, what a privilege. कितना महान सौभाग्य. Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें. Father, हे पिता, please see the cry of your children. मेहरबानी करके अपने संतानों के आंसू और पुकार को सुने. Heal them, Lord. उन्हें चंगाई दे. Lay your hands on everybody who is praying with us. और प्रभु हर एक वो व्यक्ति जो इस समय हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहा है, हर एक के ऊपर आप अपना हाथ रखें. Let your healing waters. और प्रभु होने दे कि आपके चंगाई का जल. Healing power. और चंगाई की सामर्थ्य. Flow into their organs. इसी समय इनके शरीर के अंगों में बहने लगे. In Jesus name. यीशु मसीह के नाम. I cast out every sickness. और इस समय हम हर बीमारी को निकालते हैं. Every weakness. हर एक कमजोरी को निकालते हैं. Every deformity.
और हर एक दुर्बलता को निकालते हैं एंड एवरी इविल पावर और हर एक दुष्ट आत्मा की शक्ति को एंड एवरी डेफिशिएंसी और हर एक कमजोरी को निकालते हैं आउट ऑफ देयर ऑर्गन्स इन जीसस नेम इसी समय इनके शरीर के अंगों से बाहर निकालते हैं यीशु मसीह के नाम में बी हील्ड इन जीसस नेम चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में You devils leave these organs in Jesus. दुष्ट आत्मा इनके शरीर के अंग को छोड़ दे यीशु के नाम में. Leave this life. इस जीवन को छोड़ दे. Leave this family. इस परिवार को छोड़ दे. Never touch them anymore. और आगे को फिर तू स्पर्श न करना. Father. पिता. Let every pain go, Lord. हर एक दर्द निकल जाए. Take it away. निकाल दे. Let life come into them. ताकि आपका जीवन इनमें आ जाए From you, Lord Jesus. और वो जीवन आपसे आएगा Holy Spirit. पवित्र आत्मा Create new organs for them. इनके लिए शरीर में नए अंग तैयार कर New organs. नए अंग तैयार कर Let their organs begin to work right now. और होने दे प्रभु के शरीर का अंग इसी समय काम करने राइट नाउ इसी समय लेट योर ग्लोरी कम अपॉन देम होने दे परमेश्वर तेरी महिमा इनके ऊपर उतर आए एवरीवन हु डस नॉट हैव अ चाइल्ड हर एक वो व्यक्ति जिसके संतान नहीं है लॉर्ड आई प्लेस अ चाइल्ड इन देयर वूम राइट नाउ इन जीसस नेम प्रभु मैं इनके संतान को इनके गर्भ में रखता हूँ यीशु मसीह के नाम में कंफर्म इट प्रभु इसे प्रमाणित करें एंड डू दिस मिरेकल लॉर्ड और इस चमत्कार को करें प्रभु लेट एवरी ब्लैक मैजिक लीव हर एक काला जादू जो इनके विरोध में किया है निकल जाए लेट देम बी प्रॉस्परस और होने दे संपन्नता को पाएं थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद प्रभु थैंक यू धन्यवाद वी गिव यू ऑल द ग्लोरी हम सारी महिमा आपको देते हैं माय फ्रेंड्स जस्ट प्रेज द लॉर्ड और मेरे प्यारे मित्रों आप परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करो गिव हिम ऑल द ग्लोरी उसे सारी महिमा दो थैंक यू जीसस फॉर योर मिरेकल धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह अपने चमत्कार थैंक यू लॉर्ड फॉर हीलिंग धन्यवाद प्रभु चंगाई के लिए Thank you, Lord, for delivering your people. धन्यवाद प्रभु अपने लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए. Thank you for the miracles, Lord. और धन्यवाद प्रभु चमत्कारों के. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Oh, blind eyes are opening right now. इसी समय अंधी आंखें खुल रही हैं. अनुपमा. अनुपमा. God touched your eyes right now. इसी समय परमेश्वर ने आपकी आंख को छुआ है. Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु. रतीश. रतीश. God touched you. Your infirmity and the deficiency in your body is being healed right now. परमेश्वर ने आपको स्पर्श किया है आपके शरीर के हर एक कमजोरी दुर्बलता जो बीमारी है वो इसी समय चंगी हो रही है यीशु मसीह के नाम से रीनी रीनी योर हियरिंग प्रॉब्लम इज हील्ड इन जीसस नेम आपको जो सुनने में तकलीफ थी आपकी बीमारी से आप चंगी हो गई यीशु के नाम में लक्ष्मण सोरेन God touched you right now. परमेश्वर ने इसी समय आपको छुआ है एवरी इनफर्मिटी इन योर चेस्ट इज बीइंग हील्ड आपकी छाती की सारी बीमारी इस समय चली गई चंगे हो गए गॉड हील्स यू परमेश्वर आपको चंगाई देता है थैंक यू लॉर्ड धन्यवाद प्रभु रेणुका देवी गॉड हील्ड योर बैक एंड योर बोन्स परमेश्वर ने आपकी पीठ और आपकी हड्डियों में चंगाई दी है राइज अप एंड वॉक इन जीसस नेम उठकर चलना शुरू करें यीशु मसीह के नाम में ऑनर हिम उसका सम्मान करें He will honor you. और तब वो भी आपका सम्मान करेगा Thank you, Lord, for these miracles. धन्यवाद प्रभु इन चमत्कारों के लिए bow before you, Master. स्वामी हम आपके सामने दंडवत करते हैं In Jesus name. यीशु मसीह के नाम में Amen. Amen. My friend, मेरे प्यारे मित्रों I know God has touched you right now. मुझे पता है इसी समय परमेश्वर ने आपको Just praise him. केवल उसकी स्तुति करें Try to do what you could not do before. और उस काम को करना शुरू करें जो आप पहले नहीं कर पाते थे Yes, as you take the tests, The medical tests, the doctors will say, you are well, God has healed you. और जब आप जाके अस्पताल में अपनी जांच कराएंगे, डॉक्टर आपसे कहेंगे कि हाँ, अब आप बिल्कुल चंगे हो गए. Give Jesus all the glory. और प्रभु यीशु मसीह को सारी महिमा दें. Write to us. और हमें पत्र लिखें. Also, my friends, become a partner in this ministry. और मेरे प्यारे मित्रों इस सेवकाई में आप सहभागी भी बने As you join with us as a partner in this ministry, you can bring blessings to millions of other people and God will bless you permanently. और जैसे आप इस सेवकाई में सहभागी बनेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा और आप औरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे